नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे आईएएस पीएससी के लिए, प्रीलिम्स के लिए टेस्ट लगा रहे हैं, ठीक है। इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनकी व्याख्या देख रहे थे हम लोग। तो अभी तक हम लोग 12 टेस्ट खत्म कर चुके हैं। ये आपका 13वां है, याद रखिए। आपके 12 ही टेस्ट जनरल स्टडीज के नाम से जो आपकी प्लेलिस्ट सूची है उसी में डले हुए हैं। चलिए, तो 13वां टेस्ट देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है हमारा, क्या है पहला क्वेश्चन? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम, जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया, का उद्देश्य क्या था? तो याद रखना, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति में प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना, ठीक है। क्या था? उच्च न्यायालय न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना था। ए ऑप्शन सही है। क्या है? ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है दूसरा, क्या है क्वेश्चन है दूसरा आपका? भारत में न्यायिक पुनर्वलोकन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो इसमें कथन सही कौन कौन से हैं? भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्वलोकन के प्रावधान को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से अपनाया गया है, सही है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का दायरा अमेरिका में विद्यमान नागरिक पुनर्विलोकन की शक्ति की तुलना में अधिक व्यापक है, गलत है। 24 अप्रैल 1973 के बाद संविधान की 9वीं सूची के तहत शामिल सभी कानून न्यायिक समीक्षा के तहत आते हैं, यदि वे संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन करते हैं। ए भी सही है आपका। तो इसमें एक और तीन कथन सही है, लेकिन आपका दूसरा कथन गलत है। दूसरे में क्या होगा? अमेरिकी संविधान भारतीय संविधान में निहित विधि की दे प्रक्रिया के विपरीत विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान है। दोनों के बीच अंतर इस प्रकार है कि विधि की दे प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय को अपने नागरिकों के अधिकारों को संरक्षण प्रदान करने के लिए व्यापक अधिकार प्रदान करता है, ना केवल गैर कानूनी होने के आधार पर बल्कि अनुचित होने के प्रक्रियात्मक आधार पर इन अधिकारों का उल्लंघन करने वाले ना कानूनों को अतिक्रमणात्मक घोषित कर सकता है। हालांकि हमारा उच्चतम न्यायालय कानून की संवैधानिकता निर्धारित करते समय केवल मूलभूत मुद्दों अर्थात वह कानूनी संबंधी प्राधिकारों के अंतर्गत है या नहीं की जांच करता है, यह तर्कसंगतता उपयुक्तता या नीति के प्रभाव के मुद्दों में जाना इसके लिए अपेक्षित नहीं है। तो याद रखना, क्या है दूसरे में? एक और तीन कथन आपका सही है, यानी कि बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका तीसरा, क्या है तीसरा क्वेश्चन? क्या है? न्यायिक सक्रियता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। क्या करना है? विचार करना है। न्यायिक सक्रियता को न्यायिक गतिशीलता के रूप में भी जाना जाता है, या न्यायिक संयम का प्रतिपाद है, सही है। जनहित याचिका न्यायिक सक्रियता का परिणाम है, ये भी सही है। न्यायिक सक्रियता की अवधारणा का उद्भव एवं विकास यूके में हुआ है, ये आपका गलत है। तो इसमें क्या पूछ रहा है? उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो तीसरा कथन सही नहीं है। एक और दो कथन आपके सही हैं। तीसरे में याद रखिए, सही क्या होगा? न्यायिक सक्रियता की उत्पत्ति एवं विकास आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ है, ना कि यूके में, ठीक है, याद रखना है। तो इसमें क्या होगा? सी ऑप्शन सही होगा, केवल तीन गलत था। क्वेश्चन है आपका चार, क्या है? निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। क्या करना है? विचार करना है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को केवल दो आधारों पर उनके पद से हटाया जा सकता है, साबित कदाचार या असमर्थता, सही है।
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए प्रस्ताव संसद के प्रत्येक सदन में पूर्ण बहुमत द्वारा ही पारित किया जा सकता है। एक गलत है, इसमें केवल एक कथन सही है। दूसरे ऑप्शन सही क्या होगा? दूसरे का सही, दूसरा कथन में सही होगा आपका अनुच्छेद 124(4). क्या अनुच्छेद 124(4) के तहत उच्चतम न्यायालय कि किसी न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर इस आशय के प्रस्ताव को संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपने कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित करके राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखे जाने पर राष्ट्रपति ने आदेश ना दिया हो। ठीक है, तो इसमें आपका पहला कथन सही था। क्वेश्चन है आपका 5। क्या है क्वेश्चन 5? न्यायिक पुनर्विलोकन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। भारतीय संविधान ने न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति स्पष्ट रूप से उच्चतर न्यायपालिका को प्रदान की है। सही है। अमेरिकी संविधान के किसी भी प्रावधान में न्यायिक पुनर्विलोकन की अवधारणा का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है। ये भी आपका सही है। आपके दोनों कथन इसमें सही हैं। क्या है 5 में? 5 का आपका सी होगा, यानी कि दोनों कथन सही है। क्वेश्चन है आपका 6। क्या है क्वेश्चन? है आपका भारतीय न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। संघीय विवाद अनन्य रूप से सर्वोच्च न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता के अंतर्गत आता है। सही है। सर्वोच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता उच्च न्यायालय की तुलना में अधिक व्यापक है। ये आपका गलत है। उच्चतम न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय की रिट, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता संविधान के आधारभूत ढांचे का हिस्सा है। ये भी सही है। इसमें आपका 1 और 3 कथन सही है। ठीक है, याद रखिए जो उच्चतम न्यायालय की रिट अधिकारिता सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में व्यापक है। दूसरे में होगा आपका क्या होगा? उच्च न्यायालय की जो रिट अधिकारिता सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में व्यापक है, लेकिन संसद सर्वोच्च न्यायालय को अनन्य उद्देश्य के लिए रिट जारी करने की शक्ति प्रदान कर सकती है। ठीक है, तो इसमें आपका 6वें में होगा क्या होगा? सी ऑप्शन, 1 और 3 कथन सही है। क्वेश्चन है 7। क्या है? भारतीय न्यायपालिका के ऐतिहासिक विकरणों के कारण के बारे में निम्नलिखित युग्मों पर आपको विचार करना है। मेनका गांधी विकरण 1978, अनुच्छेद 21 के तहत विचरण और विदेश यात्रा का अधिकार से संबंधित थी। सही है। ओल्गा टेलिस विकरण 1985, अनुच्छेद 21 और 32 के तहत स्वस्थ और प्रदूषण मुक्त वातावरण का अधिकार से संबंधित थी। गलत है। एमसी मेहता विकरण 1986, अनुच्छेद 21 के तहत आजीविका का अधिकार। ये भी गलत है। जस्टिस फुट्टा स्वामी विकरण 2017, अनुच्छेद 21 के तहत निजता का अधिकार। ये सही है। तो इसमें आपका 1 कथन और 4 कथन सही है। दूसरे कथन में सही क्या होगा? ओल्गा टेलिस विकरण 1985, यह मामला सुनिए ध्यान से, यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका के तौर पर आया था। 5 न्यायाधीशों की एक पीठ ने फैसला सुनाया जो कि निष्कासन के आदेश के खिलाफ फुटपाथ पर रहने के लिए फुटपाथ और बस्तियों में रहने वाली याचिकाओं को अनुमति देता है। न्यायालय ने यह भी कहा है कि अनुच्छेद 21 के मुताबिक आजीविका का अधिकार जीवन का अधिकार है। फिर आपका एमसी मेहता विकरण 1986, भोपाल में एक संयंत्र द्वारा जहरीले गैस के रिसाव के लिए एमसी मेहता ने एक जनहित याचिका दायर की। अदालत ने इस मामले में भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 और 32 के दायरे को बढ़ाया ताकि स्वस्थ और वायु प्रदूषण रहित पर्यावरण के अधिकार को शामिल किया जा सके। यह मामला भोपाल गैस त्रासदी के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इसमें क्या था? 1 और 4,
एक और चार कथन आपका सही था, सात का ए होगा। ठीक है, क्वेश्चन है आठ। क्वेश्चन क्या है आठ, सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रकार के मामलों की संख्या सर्वाधिक है? तो याद रखना इसमें होगा विशेष अवकाश याचिका, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका नौ, क्या है क्वेश्चन है आपका नौ क्या है, भारत में उच्च न्यायालयों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला कथन है उच्च न्यायालय कि न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के राज्यपाल और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद नियुक्त किया जाता है। सही है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्र की स्वीकृति से उच्च न्यायालय में 2 वर्ष या उससे कम अवधि के लिए अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। ये आपका गलत है, भारत का मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को किसी उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर सकता है। ये भी आपका गलत है, इसमें केवल एक कथन आपका सही है। ठीक है, सुनिए अनुच्छेद 217(1) अनुच्छेद 217(1) उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के राज्यपाल तथा मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद स्वयं राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। ठीक है, फिर अनुच्छेद 224(1) के तहत अस्थायी रूप से उच्च न्यायालय का कामकाज बढ़ गया हो या उच्च न्यायालय में बकाया कार्य अधिक होने के कारण यदि राष्ट्रपति को यह आभास हो कि कुछ समय के लिए न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की जानी चाहिए, तब राष्ट्रपति योग्य व्यक्तियों को अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकता है। यह सुनिश्चित कर सकता है कि उसके कार्यकाल की अवधि 2 वर्ष से अधिक ना नहीं होगी। ठीक है, अनुच्छेद 222(1) राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से किसी अन्य उच्च न्यायालय में एक स्थानांतरित कर सकता है। ठीक है, इसमें था 9 में आपका केवल एक कथन सही था। क्वेश्चन है आपका 10, क्या है क्वेश्चन है आपका 10, भारत में उच्च न्यायालयों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में सर्वाधिक राज्य आते हैं। सही है, भारत के सभी उच्च न्यायालयों में तुलना में बंबई उच्च न्यायालय में अनुमोदित न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है। ये आपका गलत है, इसमें केवल एक कथन आपका सही है। भारत में 25 न्यायालय हैं जिनमें से 7 के पास अपने अधिकार क्षेत्र में एक से अधिक राज्य हैं। ठीक है, आंध्र प्रदेश में आपका पहले तेलंगाना था और आंध्र प्रदेश था, लेकिन अब अलग अलग हो गए। ठीक है, वो बम्बई में आपका महाराष्ट्र आता है, गोवा आता है, दमन और द्वीप आता है। गुवाहाटी में असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, कलकत्ता में पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह आता है, केरल में आपका केरल और लक्षद्वीप आता है, मद्रास में तमिलनाडु और पुदुचेरी आता है, और हरियाणा और पंजाब आपका पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ आता है इसमें। ठीक है, याद रखिए यहाँ इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत क्षमता 160 है, जबकि बम्बई में उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत क्षमता 94, तो सबसे ज़्यादा कहाँ हुई इलाहाबाद में। ठीक है, 10 का आपका एक ए था। ठीक है, क्वेश्चन है आपका 11, क्या है 11, वैश्विक भुखमरी सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है, 2019 में 102 बार था। ठीक है, 2018 में 103 बार था। तो भुखमरी सूचकांक के बारे में आप लोग जानना है, इसे बेल्टर हंगर हेल्प और कंसर्न वर्ल्ड वाइड द्वारा जारी किया जाता है। सही है, इस सूचकांक का विषय वाद्य फिरवासन और भुखमरी है। सही है, बाल अल्प वजन इस सूचकांक के संकेतकों में से एक है। सही है, क्या है एक, तीनों कथन आपके सही है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग।
इसमें क्या होगा? सी ऑप्शन डी, तीनों कथन आपके सही हैं, 1, 2, 3। क्वेश्चन है 12वां। हाल ही में सरदार पटेल, वल्लभ भाई पटेल की जयंती, उनकी विशाल प्रतिमा का अनावरण किया गया। सरदार पटेल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, क्या करना है, विचार करना है। कराची अधिवेशन 1931 में सरदार पटेल द्वारा मौलिक अधिकारों और आर्थिक कार्यक्रम का मसौदा तैयार किया गया था। गलत है। वर्ष 1928 में के बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार पटेल द्वारा किया गया था। सही है। सरोजिनी नायडू ने सरदार पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। ये भी आपका गलत है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है, यहाँ क्या पूछा है, सही नहीं है, तो आपका 1 और 3 सही नहीं है। इसमें सही क्या होगा? कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता सरदार पटेल ने की थी। इसे गांधी इरविन समझौते को अनुमोदित करने की हेतु आयोजित किया गया था। इस सत्र में 2 प्रस्ताव अपनाए गए थे। पहला आपका मौलिक अधिकार, दूसरा राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम। मौलिक अधिकार तथा आर्थिक कार्यक्रम का प्रस्ताव का मसौदा पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार किया गया था, ना कि सरदार पटेल द्वारा। ठीक है। फिर दूसरा है आपका, वर्ष 1928 में घटित बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार पटेल ने किया था, और इस दौरान पटेल को सरदार का शीर्षक गांधी द्वारा प्रदान किया गया था, ना कि सरोजिनी नायडू द्वारा। ठीक है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन था, 1 और 3 कथन गलत था। क्वेश्चन है आपका 13। क्या है? हाल ही में हिंद महासागर तटीय क्षेत्र सहयोग संघ ने दिल्ली घोषणा को अपनाया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। यह घोषणा प्रौद्योगिकी विकास तथा हस्तांतरण को बढ़ावा देने, नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सार्वजनिक व निजी साझेदारी को सुदृढ़ करने का आह्वान करती है। हिंद महासागर तटीय क्षेत्र सहयोग संघ का लक्ष्य हिंद महासागर क्षेत्र के अंतर्गत सहयोग क्षेत्रीय सहयोगों पर सतत विकास को मजबूत करना है। ये भी सही है। इसमें आपके दोनों कथन सही है। 13 का होगा सी, 1 और 2 दोनों कथन आपके सही है। क्वेश्चन है आपका 14। क्या है क्वेश्चन अगला? 14। निम्नलिखित संगठनों में से कौन मानव पूंजी सूचकांक जारी करता है? तो याद रखना, विश्व बैंक मानव पूंजी सूचकांक जारी करता है। ठीक है। क्वेश्चन है आपका 15। क्या है 15? है आपका, भारत जापान मुद्रा विनिमय समझौता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इस समझौते के हिस्से के रूप में बैंक ऑफ जापान रुपए को स्वीकार करेगा और भारतीय रिजर्व बैंक को डॉलर एन प्रदान करेगा। सही है। ये मुद्रा विनिमय का मुख्य उद्देश्य विदेशी मुद्रा बाजार तथा विनिमय दर में होने वाली अस्थिरता से बचना है। सही है। तो 15 में आपके दोनों कथन सही हैं, सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है। क्वेश्चन है आपका 16। हाल ही में समाचारों में देखा गया द गोल्विन गोबलिन क्या है? द गोबलिंग गोबलिंग आपका क्या है? तो याद रखना है, ये आपका ये हाल ही में खोजा गया एक नया क्षुद्र ग्रह है। ठीक है। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 17। क्या है? अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, पद स्थापना और पदोन्नति राज्य के राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय की परामर्श से की जाती है। सही है। किसी राज्य की न्यायिक सेवा के लिए व्यक्तियों की नियुक्ति राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा की जाती है। ये आपका गलत है। इसमें आपका केवल एक कथन सही है। किसी राज्य के न्यायिक सेवा में व्यक्तियों की नियुक्ति राज्य लोक सेवा आयोग और उच्च न्यायालय की परामर्श
परामर्श के बाद राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है, याद रखना है। तो इसमें आपका एक कथन सही था। क्वेश्चन है आपका 18, क्या है? समाचारों में रहे चक्रवात तितली और चक्रवात लुबान के संबंध में निम्नलिखित आप कथनों पर आपको विचार करना है। चक्रवात तितली और चक्रवात लुबान दोनों ही ताप जनित चक्रवात थे। जहां चक्रवात लुबान ओमान द्वारा नामित था, वहीं चक्रवात तितली का नाम पाकिस्तान द्वारा रखा गया था। ये भी सही है। तो इसमें आपका दोनों कथन सही है, यानी कि सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 19, क्या है 19? समाचारों में रहे उद्यम अभिलाषा अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इस अभियान की शुरुआत राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक बैंक नाबार्ड द्वारा की गई है, गलत है। इसका उद्देश्य बिचौलियों को हटाकर किसानों द्वारा उनके उत्पादों को सीधे उपभोक्ताओं को बेचने हेतु उन्हें अधिक विकल्प प्रदान करना है। ये भी आपका गलत है, यानी कि दोनों कथन आपके गलत हैं। हाल ही में महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर भारतीय लघु उद्योग विकास यानी कि सिडबी ने नीति आयोग द्वारा चिन्हित 115 महत्वाकांक्षी जिलों में उद्यम अभिलाषा नामक राष्ट्रीय स्तर के उद्यमशीलता जागरूकता अभियान की शुरुआत की है, याद रखिए सिडबी ने, ठीक है, नीति आयोग द्वारा, कौन सी, नाबार्ड नहीं, सिडबी ने, ठीक है, क्या है, भारतीय लघु विकास बैंक ने। फिर दूसरा है होगा, यह अभियान किसानों के उत्पादन की बिक्री से संबंधित नहीं है। वास्तव में इसका उद्देश्य देश में युवाओं के बीच कौशल विकास एवं उद्यमिता को बढ़ावा देना है। इस अभियान का लक्ष्य 800 से अधिक प्रशिक्षकों के कैडर को बनाने और मजबूत करने के लिए इच्छुक युवाओं को उद्यमिता प्रशिक्षण प्रदान करना है, ताकि उन्हें उद्यमियों की प्रशंसनीय सेगमेंट में प्रवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। तो याद रखना, इसमें आपका ना तो एक सही था ना ही दो, डी ऑप्शन था। क्वेश्चन है आपका 20, क्या है 20 है आपका? मेडेन जूलियन ऑसिलेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। यह हिंद महासागर में गर्म जल की एक स्थिर प्रणाली है, गलत है। यह घटना 3 से 7 वर्षों के अंतराल पर घटित होती है, यह भी गलत है। यह घटना हमेशा भारत में भारी मानसूनी बारिश लाती है, ये भी गलत है। इसमें सही क्या होगा? आपके तीनों कथन गलत हैं, इसके तो सही क्या होगा? मेडेन जूलियन ऑसिलेशन एक समुद्री वायुमंडलीय परिघटना है जो विश्वभर में विशेष उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मौसम गतिविधियों को प्रभावित करती है। हिंद तथा प्रशांत महासागर पर बादलों और हवाओं की अनियमितता इसकी विशेषता है, जिसमें हवाएं प्रति सेकंड 4 से 8 मीटर की गति से पूर्व की ओर बढ़ती हैं। चूंकि इसमें हवाओं की पूर्ववर्ती गतिविधियां शामिल हैं, इसलिए यह है एक स्थिर प्रणाली की बजाय एक प्रतिबंधक घटना है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग, यह एक वार्षिक घटना नहीं है बल्कि ये मासिक घटना है, ठीक है, याद रखना। तीसरे में क्या होगा, यह हमेशा भारतीय मानसून को बाधित नहीं करता है, बल्कि इसके 2 चरण आर्द्र चरण और शुष्क चरण होते हैं, ठीक है। तो इसमें 20 में आपका क्या था, उपयुक्त में से कोई नहीं, डी ऑप्शन था, ठीक है। फिर अपना 21 क्वेश्चन है आपका, अधीनस्थ न्यायालयों की संरचना और अधिकार क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अधीनस्थ न्यायालयों की संगठनात्मक संरचना, अधिकार क्षेत्र और नामकरण सभी राज्यों में एक समान नहीं है, सही है। जिला न्यायाधीश जिले का सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण होता है, ये भी सही है। सत्र न्यायाधीश के पास आजीवन कारावास और मृत्युदंड सहित किसी भी सजा को लागू करने की शक्ति होती है, ये भी सही है। यानी कि 21 में आपका डी होगा, ठीक है, तीनों कथन सही है। क्वेश्चन है 22, समाचारों में रहे छोटू राम
किस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है? छोटू राम, उन्होंने जाट सभा की स्थापना की और जाट गजट समाचार पत्र की शुरुआत की है, सही है। उन्हें दीन बंधु और रहबर आजम की उपाधि प्रदान की गई थी, ये भी सही है। तो यानी कि 22 में आपका सी होगा, ठीक है, क्या होगा, सी होगा। क्वेश्चन है आपका 23, क्या है क्वेश्चन 23, क्या है, आजाद हिंद फौज निर्वाचित सरकार की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। आजाद हिंद सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसकी स्थापना 1943 में सिंगापुर में की गई थी आजाद हिंद फौज की। इसने सिलोंग पर अपना नियंत्रण स्थापित किया था, तो ये गलत है, केवल एक ऑप्शन सही है, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में प्रांतीय आजाद हिंद सरकार की स्थापना की थी। वे आजाद हिंद सरकार के नेता और इस निर्वाचित सरकार के राष्ट्राध्यक्ष थे। आजाद हिंद फौज नागालैंड, मणिपुर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तक पहुंचने में सफल हुई, लेकिन शिलांग वर्तमान मेघालय राज्य में पर इसका नियंत्रण स्थापित नहीं हुआ था, ठीक है। तो इसमें आपका केवल एक सही था। क्वेश्चन है आपका 24, क्या है 24, समाचारों में रहे तीसरे ध्रुव पद से तात्पर्य क्या है आपका? तो याद रखना हिमालय और हिंदू कुश, ठीक है, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 25, क्या है, सूचना का अधिकार अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अनिवासी भारतीय केंद्र सरकार के विभागों से शासन से संबंधित जानकारी प्राप्त करने हेतु RTI आवेदन दायर नहीं कर सकते हैं, सही है। केंद्रीय सूचना आयोग एकमात्र अपीलीय प्राधिकरण है जो RTI अधिनियम के तहत एक निकाय को सार्वजनिक प्राधिकरण घोषित कर सकता है, ये भी कथन आपका सही है। RTI अधिनियम के तहत सूचना मांगने का अनुरोध केवल अंग्रेजी या हिंदी में किया जा सकता है, ये आपका गलत है। इसमें सही क्या होगा, RTI अधिनियम की धारा 6(1) के अनुसार सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन अंग्रेजी, हिंदी या जहां आवेदन दायर किया जाना है उस क्षेत्र की आधिकारिक भाषा में किया जा सकता है, ठीक है, याद रखना। तो इसमें आपका 1 और 2 कथन सही था, ठीक है, ए ऑप्शन सही था इसमें। तो ये थे आपके 25 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपकी IAS या फिर PCS प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण रहते हैं, ठीक है। आगे हम लोग 25 और क्वेश्चंस देखेंगे इसी तरह के।